शनिवार को रानी कमलापति, जो कि गौंड जनजाति की महारानी थी, उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व ने महाराणा प्रताप बस स्टैंड चौराहा कोदिया पर गोविंद सिंह का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अकोदिया के नेतृत्व में रानी कमलापति पर टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस के विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र यादव, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह आंजना, भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मेहता, अनिल शर्मा, फतेह चंद कुशवाहा, नगर परिषद उपाध्यक्ष संतोष मेवाड़ा, पार्षद पवन धनगर, राजकुमार परमार, नरेंद्र राठौर, मुकेश व्यास, जितेंद्र राठौर, राजेंद्र राजपूत, हर्ष मेवाड़ा, अंशु मेवाड़ा समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आह्वान करा था कि कांग्रेस की दलित विरोधी सोच, कांग्रेस की महिला विरोधी सोच, कांग्रेस की महापुरुष विरोधी सोच को जनता के सामने लाने के लिए युवा मोर्चा से आह्वान था। तो युवा मोर्चा ने अपने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर और अपने मंडल के शीर्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के निर्देश पर पुतला दहन का कार्यक्रम करा, ताकि आम जनता को ये पता चले कि कांग्रेस कितनी दलित विरोधी है, कांग्रेस विरोधी और महिला विरोधी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस के विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का पुतला दहन किया गया है। हम देख रहे हैं निरंतर कांग्रेस हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनका निरंतर अपमान करती आ रही है। अभी परसों के दिन डॉक्टर गोविंद सिंह ने भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हीं के मंच से जो रानी कमलापति है, जो कि गोंड राजा की पत्नी रही है, उनका मंच से अपमान किया। उनके नाम पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भोपाल के स्टेशन का नाम रखा। ऐसे महापुरुषों का निरंतर कांग्रेस अपमान करती आ रही है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यह पुतला दहन किया गया है। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।